नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। मैं हूं आपके साथ अक्षय यादव। मैं पूजा यादव। आइए नजर डालते हैं ट्रेजेडी हलचल पर। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं अपनी क्राइम की स्टोरी पर, जहां पे हम बात करेंगे जेल में बंद गैंगस्टरों के इशारों पर न्यूटन देता था वारदातों को अंजाम। जी हां, सेक्टर 9 के एसके डिस्को बार में गोली चलाने के मामले में पकड़े गए आरोपी सागर न्यूटन और मुवीश बैंस जेल में बंद गैंगस्टरों के इशारों पर फिरौती की मांग हत्या से लेकर हथियारों की सप्लाई तक करते थे। बता दें, व्हाट्सएप और मैसेंजर के जरिए ये एक दूसरे को कॉल करते थे और दोनों को इसमें 20,000 से 1,00,000 तक रुपए मिलते थे। जी पूजा, गैंगस्टर जो है जेल में बंद है, कई बड़े बड़े जो है अपराधी जेल में बंद है, उसके बावजूद भी वो व्हाट्सएप यूज करते हैं, फोन चलाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और चंडीगढ़ में भी कई तरह की जो है वारदातें, जो बड़ी बड़ी वारदातें हुई हैं, उनमें जो है बड़े बड़े गैंगस्टरों का नाम आ रहा है। ये अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पर अब क्या कार्रवाई करती है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। कोरोना के जो है केस बढ़ने लगे हैं, अब धीरे धीरे त्योहार भी आ रहे हैं, ऐसे में जो है ट्राई सिटी में कुल 6 मौतें हुई हैं और 90 नए केस आए हैं। ऐसे में जो है लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, जिससे कोरोना का संक्रमण कम फैले। जी पूजा, चलिए आगे नजर डालते हैं बिजली विभाग पर, जहां हम आपको बता दें कि मोहाली में बिजली सप्लाई रहेगी बंद, जहां पर फेज 11 के रिहायशी और व्यापारिक क्षेत्र में 11 नवंबर यानी आज बिजली की सप्लाई को प्रभावित किया जाएगा। जहां पर आपको बता दें कि बिजली विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि कुछ जरूरी मुरम्मत और वृक्षों की कटाई के कारण आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये सप्लाई बंद रहेगी। जी पूजा, नहीं डालते हैं अगली खबर पर। प्रशासन के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे पटाखा व्यापारी। आपको बता दें कि चंडीगढ़ प्रशासन ने 24 अक्टूबर को जो है आवेदन मांगे थे, जिसके बाद 3 नवंबर को उनको जो है लाइसेंस दे दिए गए थे, 8 नवंबर को जो है प्रशासन ने रोक लगा दी, जिसके बाद पटाखा व्यापारी का कहना है कि उन्होंने कई पैसों में जो है पटाखे खरीद लिए थे, जिसके बाद जो है प्रशासन ने इसके ऊपर रोक लगा दी, जिससे उनको है काफी ज्यादा नुकसान होगा। उनकी मांग है कि पंचकुला और मोहाली की तर्ज पर उनको अनुमति दी जाए पटाखे जलाने की, ताकि जो है दिवाली अच्छे से लोग मना भी सके, उनका भी जो है त्योहारी सीजन में अपना फायदा हो सके। चलिए आगे अब नजर डालते हैं, जहां पर ट्रैफिक पुलिस अब नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ने वालों पर अपनी क्या बोल सकते हैं कि उन पे ज्यादा सख्त हो चुकी है। ये आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ नकेल कसने की तैयारी कर चुकी है। अगर आप भी नो पार्किंग जोन में अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं तो पुलिस उन खड़े वाहनों के साथ साथ अब लावारिस और संदिग्ध वाहनों को टो करके इम्पाउंड करना शुरू कर दिया है, जहां पर वो टो करके पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे, वहां पर फिर इसके हिसाब से आपसे चार्ज भी किया जाएगा और आगे की कार्रवाई देखी जाएगी। जी पूजा, नजर डालते हैं अगली खबर पर। मोहाली पुलिस जो है दबिश दे रही है जगह जगह होटलों में, अब जाकर जो बिना उसके रजिस्ट्रेशन के जो होटल में रुकते थे लोग, उनके ऊपर जो है अब कार्रवाई कर रही है पुलिस ने। कल जो है दो होटलों में जाके छापेमारी की है। आपको बता दें हिमाचल पैलेस में और रॉयल सिटी होटल में, इन दो होटलों में जो है बिना पहचान पत्र के रूम को रेंट पे दिया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरा जो है व्यापारी फरार हो चुका है। जी पूजा, चलिए अपनी अगली खबर पर नजर डालते हैं, जहां पर ट्राई सिटी, जिसको एक प्लांट सिटी भी कहा जाता है, तो वहीं पे अब सेक्टर 23 में बनेगा साइकिल ट्रैक। हलो माजरा के डिवाइडर रोड को किया जाएगा चौड़ा और साथ ही ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ऐसे फैसले लिए गए थे। साथ ही आपको बता दें, इसके अलावा सेक्टर 31 और 32 के विभाजक सड़कों को भी बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा हुई और साथ वहीं पे ही शहर के अलग अलग जगहों पर साइन बोर्ड लगाने का भी फैसला लिया गया है। जी पूजा, अब बात करते हैं अगली खबर की। आपको बता दें कि जो है प्रदूषण अब फैलने वाला है, क्योंकि पंचकुला और मोहाली में जो है पटाखे चलाने की अनुमति मिल चुकी है, जिसके बाद आपको बता दें कि प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा होएगा और जो है सीनियर सिटीजन है जिनको बीमारियां हैं उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और आपको बता दें चंडीगढ़ में फिलहाल जो कल था एयरपोर्ट के इंडेक्स 130 था, लेकिन जो विशेषज्ञ है उनका कहना है कि आने वाले समय में इसका प्रदूषण का प्रभाव बहुत ज्यादा होने वाला है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जैसे जैसे अब दिल्ली में भी AQI इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि जिस जिन शहरों का AQI बहुत ज्यादा होगा वहां पे पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। चलिए ट्रेजेडी हलचल में अब तक के लिए इतना ही। मैं और अक्षय आपके साथ फिर लौटेंगे कुछ नई ताजा रोमांचक खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय खबर टीवी।